वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। अगर हम लोग देखें, ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत पहले से ही इंडिया में इसको लेके बात हो रहा है। हम लोग के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बार अपने भाषण में वन नेशन वन इलेक्शन को लेके डिस्कस भी किया है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, ये जो लोकसभा इलेक्शन हुआ इस बार, इससे पहले वन नेशन और वन इलेक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा ये हाईलाइटेड हो रहा था, क्योंकि इस टाइम में एक रिपोर्ट आया था जिसको लीड कर रहे हम लोग के एक्स जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, और उसी पैनल का रिपोर्ट के अनुसार उन लोग अपने तरफ से ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसको सजेस्ट किया था। और ये कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसको लेके एक 18,000 पेजेस का रिपोर्ट ये पैनल ने सबमिट किया है, और प्रेजेंटली कैबिनेट ने अपने तरफ से इसको अप्रूव कर दिया है। मतलब आगे जाके हम लोग को देखने को मिलेगा इंडिया में हर 5 साल में एक ही बार वोट होगा, चाहे वो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन हो, चाहे वो इलेक्शन म्यूनसिपलिटी इलेक्शन हो, चाहे वो इलेक्शन आपका लोकसभा इलेक्शन हो, कुछ भी इलेक्शन हो, वो एक ही बार होगा 5 साल में, जिसके वजह से जो टाइम है वो काफ़ी सेव हो जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, इसका बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स भी है जो हमें आपको आगे जाके वीडियो में डिस्कस करूंगा। मगर उससे पहले जान लेते हैं ये जो कोविंद पैनल है इसको लेके। तो हम लोग के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे मतलब रामनाथ कोविंद जी, उनके अंदर एक पैनल सेटअप किया गया था और वही पैनल इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। उन लोग का सजेशन था कि भाई अगर इंडिया में ये जो इलेक्शन होता है ये हर साल जो चलता ही रहता है, प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, उससे पहले लोकसभा इलेक्शन हुआ, आगे जाके अगर हम लोग देखें महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, तो साल भर हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलेक्शन चलता ही रहता है। तो उनके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था कि अगर ये सारा इलेक्शन एक साथ हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो टाइम है वो भी सेव होगा, साथ ही साथ इंडिया का जो इकोनॉमी है उसमें भी एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पैसा बच जाएगा एक साथ अगर इलेक्शन होगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, जब इंडिया को फ्रीडम मिला था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वन नेशन वन इलेक्शन यही चलता था, मगर बीच में फिर बहुत सारे चेंजेस हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, और अभी जाके ये कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो आगे जाके ये जो वन नेशन ये वन इलेक्शन है ये फिर से आने वाला है इंडिया में, और बहुत जल्दी हम लोग को यही देखने को मिलेगा कि 5 साल में एक बार ही वोट होगा, आपको बार बार ऑफिस से छुट्टी नहीं लेना पड़ेगा, आपको बार बार अपना बिजनेस हैम्पर करके डिफरेंट लोकेशन में से आपका घर में आके आपको वोट नहीं देना पड़ेगा। आप 5 साल में एक बार आइए, वोट दीजिए, फिर जाइए, फिर 5 साल बाद आप आ सकते अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर अभी काम चल रहा है, और गवर्नमेंट के तरफ से बोला गया है एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाया जाएगा, जो ग्रुप का काम होगा ये जो कोविंद पैनल का रिपोर्ट है इसको आगे जाके कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ग्रास रूट लेवल पे। अब ये इम्प्लीमेंटेशन जो होगा, इनिशियली ये इम्प्लीमेंटेशन 2 पार्ट में होगा। पहला जो स्टेज है उसमें आपका लोकसभा और जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है वो सारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और उसके बाद 100 डेज के बाद ये सेकेंड फेज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके अंदर ये जितना भी म्यूनिसिपल इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, ये सब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मगर ये जो 2 लेयर प्रोसेस है ये सिर्फ होगा फर्स्ट टाइम के लिए, इसके बाद से ये सारा इलेक्शन को एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और 5 साल में इंडिया में सिर्फ एक ही बार इलेक्शन ऑर्गेनाइज होगा। प्रेजेंटली अगर हम लोग इंडिया में देखें, कोई कॉमन इलेक्टोरल रोल नहीं है, हर इलेक्शन के लिए अलग अलग इलेक्टोरल रोल जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर साइड इन फ्यूचर में जाके एक कॉमन इलेक्टोरल रोल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तरफ से जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन लोगों के साथ मिलके जो वोटर आईडी कार्ड है उसको इशू करेगा। तो ये सब सुनने के बाद आपको लग ही सकता है कि भाई इलेक्शन कमीशन तो ये सब बोल दिया है अपने तरफ से, गवर्नमेंट ने भी बोल दिया, ऑन द अदर साइड ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है क्या ये लोग मान लिया है? आज के डेट में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनका कहना है कि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने अपने तरफ से ये मान लिया है और वो लोग इस पर एग्री भी किया है। ऑन द अदर साइड कुछ पार्टीज़ अभी भी इसको मानने के लिए राजी नहीं है, और गवर्नमेंट जो है इन फ्यूचर जाके उन लोगों के साथ एक एक करके बात करेगा। अगर बात करें कांग्रेस का, तो कांग्रेस का कहना है कि भाई ये जो है ये गलत है, इसमें कोई कुछ नहीं रखा है और ये एकदम बेकार है ये आइडिया इंडिया में आना ही नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि आगे जाके गवर्नमेंट मतलब बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस के साथ इस टॉपिक में बात करे, और इस प्रोसेस को अगर एक्टिव करना है तो कोविंद पैनल का कहना है कि 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, जिसके बाद ही ये जो प्रोसेस है ये इंडिया में एक्टिव हो पाएगा। ऑन द अदर साइड ये सब सुनने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन हो ही सकता है कि अगर भाई ये 5 साल के बीच में कोई भी राज्य का या फिर कोई भी पार्टी है ऐसा कि उन लोग बहुमत खो दे, क्योंकि हम लोग यहाँ देखते हैं कि डिफरेंट टाइम में जो इलेक्शन होते हैं उनमें बहुत सारे पार्टी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंट्रल में हो। तो अगर ऐसा कभी भी होता है कि कोई ये बहुमत खो देता है तो इसको आगे कैसे हैंडल किया जाएगा,
इसका एक ही आंसर है, जो ड्यूरेशन रिमेनिंग है। सोचिए कि 3 साल चलने के बाद कोई भी सरकार गिर जाता है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंट्रल में हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो 2 साल बाकी है फिर से इलेक्शन होगा, मगर वो सिर्फ 2 साल के लिए होगा। जो नया गवर्नमेंट सिलेक्ट होगा वो 2 साल फिर से अपने तरफ से ये जो गवर्नमेंट है उसको संभालेगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर से इलेक्शन होगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई 2 साल के बाद 5 साल बाद इलेक्शन होने वाला है, 3 साल पहले ही हो गया, रिमेनिंग था 2 साल, 2 साल आपने अपने तरफ से राज कर लिया, उसके बाद आपको फिर से इलेक्शन में आना पड़ेगा। जो इंडियंस है वो लोग अपने तरफ से फिर से वोट कास्ट करेगा, उसके बाद अगर आप इलेक्ट होते हो तो बहुत ही अच्छा बात है, अगर आप इलेक्ट नहीं होते तो जो कोई भी इलेक्शन में जीतेगा उसके पास गवर्नमेंट का जो पावर है वो चला जाएगा, वो अपने तरफ से आगे जाके फिर से वो स्टेट हो या फिर इंडिया जो कंट्री है उसको रूल करेगा। नो डाउट इनिशियली ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, और होपफुली हम लोग को लग सकता है कि 5 साल जो फर्स्ट फेज है उसमें हम लोग को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़े, मगर आगे जाके ये जो प्रॉब्लम है ये और नहीं रहेगा, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग देखें तो ये इंडिया के लिए ही एक प्रॉफिटेबल स्टेप है। तो ये जो प्रॉफिट का बात आया तो चलिए आपको अभी बता देते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड यही है कि आपको बार बार घर नहीं आना पड़ेगा इलेक्शन के लिए, अगर आपका होम एड्रेस अलग है, अगर आप कहीं काम करें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको इलेक्शन में जो वोट कास्ट करना होता है उसके लिए आपको घर आना पड़ता है, हो सकता है कि साल में आपको 2 बार या फिर 2-3 साल में 4-5 बार आपको आना पड़ता है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। आपको 5 साल में 1 बार आना पड़ेगा, जिससे आप आराम से अपना जो वोट है, अब 5 साल का जो पास्ट में आपका रिकॉर्ड है या फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप दे पाएंगे, चाहे वो आपका स्टेट के लिए हो चाहे वो आपका सेंट्रल के लिए हो, आप अपने तरफ से कम्प्लीटली ये वोट दे पाएंगे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए टाइम जो है वो काफ़ी सेव हो जाए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि साल भर इलेक्शन होता है, अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन भी बिजी रहता है, साथ साथ ये जो फोर्स है हम लोग का जो मिलिट्री है जो फोर्स है वो लोग भी बिजी रहते हैं। अगर वही फोर्स हम लोग इंस्टीड ऑफ इलेक्शन अगर हम लोग बॉर्डर पे यूज़ करते हैं तो इंडिया और भी सिक्योर होगा, या फिर हम लोग दूसरा काम में वो फोर्स को यूज़ करते तो ऑब्वियस सिक्योर होगा, मगर ये इलेक्शन के लिए फोर्स को हमेशा कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तो फोर्स हमेशा एंगेज रहता है। तो एक टाइम में फोर्स एंगेज रहेगा और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग टाइम है वो कम्प्लीटली फ्री रहेगा, वो लोग अपने तरफ से कम्प्लीटली जो उन लोगों का काम है वो लोग कर पाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गुड गवर्नेंस। आज के डेट में अगर हम लोग के पीएम को देखें तो डिफरेंट टाइम में ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट जगह ये इलेक्शन चलता रहते हैं, वो अपने तरफ से बीजेपी के होकर कैंपेन रन करते हैं, वो अपने तरफ से डिफरेंट जगह में जाके भाषण करते हैं, जिसकी वजह से पीएम का जो टाइम है ये इलेक्शन के पीछे ज़्यादा खर्च आता है। ऑन द अदर साइड अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो ऑब्वियसली एक सर्टेन टाइम तक पीएम बिजी रहेंगे ये कैंपेन में, उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएगा तो जो कोई भी पीएम हो वो अपने तरफ से अपना जो गवर्नमेंट से या फिर जो गवर्नमेंट का काम है उसमें ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। अगर हम लोग देखें डिफरेंट टाइम में डिफरेंट गवर्नमेंट अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग महाराष्ट्र को देख ले, एक टाइम में बीजेपी का जो गवर्नमेंट था महाराष्ट्र में उस टाइम में एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट वहाँ रन किया गया था, मगर जब भी ये उद्धव ठाकरे आए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया बीच में, जिसमें हम लोग का नॉट ओनली फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये अगर प्रोजेक्ट चलता तो महाराष्ट्र का ही इकोनॉमी जो है वो और भी ज़्यादा ग्रोथ होता, साथ ही साथ इंडिया का भी ग्रोथ में ये प्रोजेक्ट एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट बनता, मगर डिफरेंट गवर्नमेंट चेंज होने के वजह से ये जो प्रोजेक्ट है इसको बंद कर दिया है। अभी महाराष्ट्र में फिर से जो नया गवर्नमेंट आया मतलब बीजेपी के साथ मिलके वो लोग अपने तरफ से ये प्रोजेक्ट को फिर से रिस्टार्ट किया है, मगर जो टाइम है वो ऑलरेडी स्पेंड हो गया, जिसकी वजह से खर्चा जो है वो भी बढ़ गया। तो ऐसा जो प्रोसेस है ये इंडिया में हम लोग डिफरेंट लोकेशन में ही हम लोग देख पाएंगे कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाता है दूसरा पार्टी आता है तो वो पुराना पार्टी का जो प्रोजेक्ट है उसको ड्रॉप कर देता है। अगर 5 साल के लिए ये गवर्नमेंट चेंज नहीं होता तो चांसेस बहुत हाई है जो प्रोजेक्ट है जो ऐसा इन्वेस्टमेंट है वो कम्प्लीटली आपका पूरा प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा, जिससे सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा इंडियन का होगा, साथ ही साथ हम लोग का जो पैसा है वो बच जाएगा। अगर देखा जाए इसके अलावा भी बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स है ये वन नेशन वन इलेक्शन जो कॉन्सेप्ट है इसका। ऑन द अदर साइड अगर नेगेटिव साइड हम लोग देखने का कोशिश करें तो अपोजिशन के तरफ से जो नेगेटिव साइड सबसे पहले हाईलाइट किया जाए वो है कि भाई अगर स्टेट में कोई प्रॉब्लम होता है, ऑन द अदर साइड सेंट्रल में वो प्रॉब्लम नहीं होता है, तो जो इशू रन करते हैं, जैसे कि हम लोग को पता चलता है कि जब भी इलेक्शन होता है तब भी हर कोई लीडर्स जो है अपने तरफ से डिफरेंट इशू के बेस में वो लोग अपना कैंपेन जो है वो डिज़ाइन करते हैं। अब क्या होगा, अब स्टेट के लिए एक अलग सा कैंपेन डिज़ाइन करना पड़ेगा, भाई स्टेट में ये प्रॉब्लम है। ऑन द अदर साइड अगर सेंट्रल के अगेंस्ट में किसी को जाना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों के लिए एक अलग से कैंपेन डिज़ाइन करना पड़ेगा कि भाई सेंट्रल में जो है हम लोगों के स्टेट में ये प्रोवाइड नहीं किया, इसके वजह से हम लोग अब सेंट्रल को वोट मत दीजिए सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट है। ऑन द अदर साइड स्टेट में जो है स्टेट में ये किया है इसके लिए अलग, तो इंसान जो है मतलब इंडिया के जो सिटीजन है उन लोग को अलग से समझाना पड़ेगा, अलग अलग कैंपेन को एक साथ रन करना पड़ेगा, या फिर एक ऐसा कैंपेन डिज़ाइन करना पड़ेगा जो पूरा जो इश्यूज है सबको कवर कर दे। और वही कैंपेन को डिज़ाइन करने का जो थॉट है ये
प्रेजेंटली जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो तो अभी देखा नहीं है, इसके वजह से वो लोग सोच रहे हैं कि भाई आगे जाके ये एक मेजर प्रॉब्लम बन सकता है कि भाई ये जो वोटर है उन लोगों को कन्विंस करना। तो नो डाउट अभी ये प्रोसेस एक ऐसा जगह में है, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी हम लोग को ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये इंडिया में ही देखने को मिलने वाला है। ऑन द अदर साइड इस स्टोरी में अभी भी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी है, क्योंकि ये ऑपोजिशन जो है इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं है, डिफरेंट पार्टीज के तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेस्ट भी हम लोग को देखने को मिला, तो बहुत कुछ होगा इस टॉपिक में। तो जैसे ही कुछ नया अपग्रेड होगा इस टॉपिक में आपको लोगों के लिए एक अलग सा वीडियो मैं बना दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, अगर आपको ऐसे और वीडियोज देखना है आप मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANUSPACEPL को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी सब्सक्राइब करें तब जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा जब भी वीडियो आएगा, वीडियो डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर आपको कोई भी वीडियो यहाँ इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा आपका जो टेस्ट आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचेगा। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का रोजी रोटी चलता रहेगा। आज ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।